आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये है अलकनंदा और अलकनंदा नदी पर बना है ये अलकनंदा हाइड्रो पावर। जय गणाल देवता। ये जगह अगर आप लोग खेल प्रेमी हैं तो यहाँ नहीं आए तो आप कहीं नहीं आए। यहाँ पर ये राजकीय इंटर कॉलेज धद्दी गणाल और इसके ठीक बगल पे है गणाल देवता। सबसे पहले पहाड़ की हसीन वादियों से तेगढ़ छोटा सा प्यारा सा बाजार आपका हार्दिक स्वागत करता है। ये हमारे यहाँ के लोकल बॉय सूरज भाई जो हमें यहाँ घुमाने वाले। कौन कल्याण दे गए बाबा? गरम गरम चाय। घंटाकर्ण देवता की जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। सर्वम महादेव की राजी खुशी रख देवता सब की या आस। हमारे घंटाकर्ण है वो अभिमन्यु के ही अवतार। हेलो साथियों नमस्कार, मैं पंकज डुंगरियाल पहाड़ों की इन हसीन वादियों से स्वागत करता हूं आपका पहाड़ी मंच ब्रेकिंग है में। और दोस्तों आज है सुहाना मौसम और हमारा सफर है आज गणाल देवता मंदिर की तरफ। हम लोग जा रहे हैं जो लुस्तु बडियारगढ़ में पड़ता है, टीरी गढ़वाल के अंतर्गत ये है और बहुत ही पावन जगह वो है। वहाँ के स्थानीय देव है, वहाँ के इष्ट देव है श्री घंटाकर्ण देवता, तो उनकी तरफ आज हम लोग जा रहे हैं। सभी श्रद्धालु आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं दोस्तों। अभी फिलहाल हम यहाँ पे अपना जो आज का प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, यहाँ पे सिंदरी जगह इसको कहते हैं और सिंदरी पे अभी हमें आप लोग एक बार व्यू देखोगे पीछे तो ऑसम व्यू है। और मैं आप लोगों को यहाँ के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ, फिर हमारी यात्रा आगे के लिए शुरू होने वाली है। साथ ही आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये है अलकनंदा और अलकनंदा नदी पर बना है ये अलकनंदा हाइड्रो पावर डैम। और ये आप लोगों को दिख रहे इसके गेट है और यहाँ से पानी होता हुआ जा रहा है हमारा सीधा यहाँ से। ये पानी स्टोरेज आप लोगों को दिखेगा, यहाँ से ये चौरास के लिए जा रहा है, चौरास नेथाना मैं कहूँगा, तो वहाँ पर जो है बिजली बनाई जाती है। तो इस तरीके की मैंने आप लोगों को ये यहाँ का जो डैम है इसको बताया। तो साथ में अभी हम लोग हैं सिंदरी में, यहाँ पे सिंदरी है और यहाँ पे ये यहाँ से दिख नहीं रहा है, इसके नीचे यहाँ पे सुपान है और ये हो गया श्रीनगर। इधर बात करूँ मैं तो इधर हो गया चौरास। और साथ में आपको बता दूँ, ये अभी अलकनंदा आप लोगों को जो दिख रही है अलकनंदा टीरी गढ़वाल और पौड़ी गढ़वाल को अलग अलग यहाँ पे करती है। तो नदी के पार जो भी आप लोगों को दिख रहा है ये सारा श्रीनगर सिरकोट का एरिया, फिर आता है हमारा पौड़ी गढ़वाल में और अलकनंदा के इधर जो सारे गांव हमारे बसे हैं। चौरास की मैं बात करूं तो यहां से कीर्तनगर तक ये सारे बडियारगढ़ जो हम लोग जा रहे हैं टीरी गढ़वाल के अंदर आते हैं। तो हमारा सफर है घंटाकर्ण देवता की तरफ, तो हम लोग वहाँ जा रहे हैं घंटाकर्ण देवता की ओर। तो साथियों अब हमारा जत्था निकलने वाला है घंटाकर्ण देवता की ओर। हेलो साथियों, हेलो हेलो, देखिए किस तरीके से सारे खुशी के साथ और भगवान के जयकारों के साथ आगे बढ़ने वाले, तो सब एक बार बोलेंगे जय घंटाकर्ण देवता। साथियों पूरे जंगल में पूरे कोहरा लग चुका है, बहुत ही तगड़ा वाला, मतलब रोड तक नहीं दिखाई दे रही है और काफ़ी यहाँ पर अब बारिश की हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो देखते हैं कहाँ तक हमारी यात्रा आज ये पहुँचती है और कहाँ तक ये सफल हो पाती है। तो जितना भी आप यहाँ जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो देखने लायक चीज़ें वो आप लोगों को हम दिखाएंगे, तो फिलहाल बने रहे हमारे साथ और आनंद लीजिए इस सफ़र का। अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर रास्ते में जो बीच में पड़ता है धद्दी घंटाल, तो धद्दी घंटाल पहले आप लोगों को दिखाएंगे हम यहाँ पर घंटाल देवता का मंदिर, उसके बाद हम लोग लोस्तु वाले घंटाल देवता में जाएंगे। तो आप लोगों को फिर मैं वहाँ बताऊंगा क्या है खास, क्यों, कब, कैसे और बहुत ही अच्छी पौराणिक गाथा जो है मिलती है सुनने को, वो मैं आप लोगों को वहाँ जाके बताऊंगा। फिलहाल धद्दी घंटाल में मैं अभी हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। और ये बकरियाँ आती हुई हमारे ग्रामीण भाई बकरियों को चराते हुए, और यहाँ पर कारगिल अमर शहीद सुनील असवाल स्मृति द्वार, और यहाँ से साथ हम लोग मेन रोड पर अभी है बडियारगढ़ के, और यहाँ से हम लोग जाए तो यहाँ पर इस जगह से सभी लोग परिचित है, जानी मानी ये जगह। अगर आप लोग खेल प्रेमी हैं तो यहाँ नहीं आए तो आप कहीं नहीं आए। तो यहाँ पर राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज जो यहाँ पर धद्दी घंटाल में, और यहाँ पर हम लोग जाएंगे तो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय धद्दी घंटाल ये है, और यहाँ पर इंटर कॉलेज ऊपर की तरफ। और यहाँ पर मैं मंदिर की ओर अभी आप लोगों को ले जा रहा हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जगह दिखाने वाला हूँ। ये जगह यहाँ पे बहुत ही फेमस है और यहाँ पर जितने भी खेल प्रेमी हैं बहुत बार यहाँ आए होंगे। अगर आप लोग यहाँ आए तो कमेंट करें, क्योंकि ये जगह बहुत ही परिचित है, यहाँ पे बहुत अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ पर हर साल यहाँ के स्थानीय
लोगों द्वारा कराए जाते हैं, जो काफ़ी अच्छे होते हैं। और यहाँ पर आप लोग देखोगे तो ये चीड़ के जंगलों के बीच यहाँ पर ये खेल का मैदान, काफ़ी अच्छा प्रकृति का यहाँ पे भव्य नज़ारा। और अगर आप लोगों को याद है, अगर आपने कभी लेग की साइड यहाँ पे सिक्स मारे तो कभी कभार इन पेड़ पे टकरा के बॉल वहीं पे नीचे गिर जाती है, एक रन होता है 6 रन की जगह। तो खैर, ये तो पहाड़ों में खूबी है। यहाँ पे मैं अभी मंदिर की ओर आप लोगों को ले जाने वाला हूँ, लेकिन अभी मेरे साथी आ रहे तो उनका हम वेट कर रहे हैं यहाँ। और अब मेरे साथी पहुँच चुके हैं, अब हम लोग मंदिर की ओर जाएंगे। ये साथियों, जय घंटाल देवता, जय हो, जय हो, जय हो। तो साथियों, अब हमारे और साथी पहुँच चुके हैं, अब हम जो आ रहे हैं दद्दी घंटाल, जो यहाँ पर मंदिर है वहाँ पर सबसे पहले। और यहाँ पर ये राजकीय इंटर कॉलेज दद्दी घंटाल, और इसके ठीक बगल पे है घंटाल देवता का मंदिर, जो यहाँ के स्थानीय लोगों का पूज्य देव। जय घंटाल देवता, जय हो, जय हो। यहाँ के स्थानीय लोगों के इष्ट देव दद्दी घंटाल, घंटाल देवता का ये पावन मंदिर। कोरोना की वजह से यहाँ पे थोड़ा भी लॉक किया गया है मंदिर को, लेकिन यहाँ पे श्रद्धालु आते रहते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार यहाँ पर अपना माथा टेक के और दीप दिया जला के यहाँ से चलते। तो साथ ही एक बार यहाँ से आप लोगों को मैं नज़ारा दिखा दूँ, नज़ारा देखिए आप लोग यहाँ से। भाग रहा है चाहिए नहीं, मेरा साथ यहाँ काफ़ी बहुत सारे भेड़ बकरियाँ हैं, तो आपको कभी चाहिए तो इस इलाके में आइए और यहाँ से ले जाइए, काफ़ी यहाँ पर आप लोगों को बकरियाँ देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए साथी, आप चलते आगे के लिए। और साथ अब यहाँ पर दद्दी घंटाल पे दर्शन करने के बाद हम लोग लोस्ती की तरफ जा रहे थे। एक बार जय घंटाल देवता, चलिए, यो, जय हो, जय घंटाल देवता की जय हो। मस्ताना मौसम है, रंगीन नजारा, धड़कन क्या कहती है समझो इशारा, आज से जाने मन दिल है तुम्हारा, जो भाई हमारा ही। और देखिए क्या शानदार हमारी गाड़ियां लग, और काफी शानदार ट्रैक है साथियों यहाँ। तो आप लोग कभी यहाँ घूमने आना चाहो तो शानदार यहाँ पर काफ़ी अच्छे पहाड़ों में, इन हसीन वादियों में, प्रकृति की इस धरोहर में आप लोग घूमिए, यहाँ पर आनंद लीजिए इन सड़कों का, यहाँ पर पौराणिक मंदिरों का, यहाँ पर जो हमारे और ख़ास ख़ास झरने भी यहाँ पर है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने लायक है। तो आइए और घसेरियाँ हमारी देखिए आप लोग गाँव की, तो इस तरीके से काफ़ी शानदार आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग अब जा रहे हैं लोस्तू की तरफ, और शानदार जो भव्य मंदिर वहाँ पर श्री घंटाकर्ण देवता का है वो आप लोगों को दिखाने वाले हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले पहाड़ की हसीन वादियों से तेगढ़ छोटा सा प्यारा सा बाजार आपका हार्दिक स्वागत करता है। तो साथियों, हम पहुँच चुके हैं तेगढ़ बाजार में। यहाँ पे हमारा जो यहाँ का लोकल बॉय है वो दोस्त हमारा आ रहा है, तो उसका हम इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे सभी साथी हैं, अरे भाई यार, पहुँच चुके हैं हमारे लोकल बॉय यहाँ के। दोस्तों, ये हमारे यहाँ के लोकल बॉय सूरज भाई, जो हमें यहाँ घुमाने वाले। सूरज हमारे सहपाठी है, तो सूरज भाई से आप मिलिए। और सूरज भाई कहाँ जाने वाले हम सबसे पहले, अब वो तो आप ही बताएंगे भाई जी। तो दोस्तों, हमें घुमाने वाले हमारे गाइड आज के सूरज भाई। तो साथियों, हमको सूरज भाई ले जा रहे हैं अपने घर चाय पिलाने, तो क्योंकि मौसम भी आज सुहाना है, तो सबसे पहले हम लोग चाय पियेंगे, उसके बाद जो भी हमारी यात्रा का प्रोग्राम है उसके बाद हम वो करने वाले। तो सभी साथी देखिए भपके के साथ सूरज भाई के। सूरज भाई, चलिए सूरज भाई, कहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। ये होती है गाँव की एक सभ्यता होती है, इस तरीके से मेहमानों का स्वागत किया जाता है। तो आज हम मेहमान है सूरज भाई, सबसे आगे मैं जा रहा हूँ घर, वो भी एक तो बात रहे। और सूरज भाई हमारे लिए गर्मा गर्म चाय लेके आने वाले हैं। साथियों, ये है सूरज भाई का गांव, जो दालडुम जिसे कहते हैं। और यहाँ पर शानदार सारी देखिए आप लोग, यहाँ पर काफ़ी अच्छा अनाज यहाँ पर लोगों द्वारा लगाया जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पर नुकसान करने वाले जानवर भी मिलेंगे आपको, बंदर। और यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप में यहाँ पर एक और घंटाल देवता का ये भी मंदिर, और यहाँ पर इस सूरज भाई ने बताया, ये जो आपको एक एकांत में घर दिख रहा है, ये इसे दुगड्डा, यहाँ पर ये भी गांव है। तो फिलहाल अब हम लोग चाय की चुस्कियाँ यहाँ पर लेने वाले, और सूरज भाई की दादी दादी पना आज पना ठीक ठाक तू कर दूँ बेकार यार सूरज, तू मैं परेशान करना है।
साथियों, इस तरीके से हमारी पहाड़ी संस्कृति होती है कि हम लोग मेहमानों का स्वागत करते हैं और उनको चाय पिलाने का जो हमारी पुरानी संस्कृति है वो पिलाते हैं, ज़बरदस्ती चाय वो पिए ना पिए। तो हम लोग यहाँ पर आए, सूरज भाई की दादी जी है तो चाय हमारे लिए बना रही है। काफ़ी बुजुर्ग है लेकिन उनके चेहरे पर इतनी खुशी है जैसे हम उनके नाती है, तो हमारे लिए चाय बना रही है अपने नाती मान के हमको, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो दादी माँ का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। दौन का लिया मुंदे गए गांव कीर्तनगर। अच्छा हाँ, दौन का लिया मुंदे गए दौन। अच्छा चाप होने प्यारी सी दादी, देखिए गाढ़ा एकदम भैंस का दूध। इनको देख के मुझे अपनी दादी की याद आ रही है गांव में, वो भी ऐसे ही बनाती है चाय हमारे लिए गर्मा गर्म। देखिए और ये सूरज हमारे लिए चाय परोसता हुआ बढ़िया से सूरज आएगी और से गर्मा गर्म चाय। दो गिलास ही बन रहे हैं, धन्यवाद और भैंसा दूध चाय। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज भाई। लग चुके हैं लड़के एकदम चाय के साथ बिस्किट खाते हुए और ऐसे बोल रहे जैसे कि पत्नी कितने दिनों से भूख हड़ताल में बैठे रहेंगे। अब आराम आराम से खा भाई। चलो भाई चलो चलो भाई आगे चलो। वो बैग उठाओ। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर हमारे सूरज भाई का और दादी जी का कि हमको शानदार गर्मा गर्म चाय पिलाई और बिस्किट खिलाए। अब हमारा जत्था निकल पड़ा है घंडियाल देवता की ओर, लोस्तों की ओर। शानदार है तेगढ़ बाजार, भले ही थोड़ा छोटा है लेकिन यहाँ जरूरत की सारी चीज़ें हमेशा उपलब्ध रहती है, तो इसको अब हम लोग पार कर रहे हैं। साथियों शानदार गर्मा गर्म चाय पीने के बाद और अब इस जो आप लोगों के दिख रहे हैं इसके तट पर बस आई है गांव सूरज भाई का, और अब हम लोग यहां से जा रहे हैं श्री घंटाघरा देवता के मंदिर की ओर, लोस्तों की ओर, जो यहां का एक पौराणिक मंदिर है जिसकी पौराणिक गाथाएं हैं। तो सारी बातें होगी वहीं पहुँच के, तो फिर तब तक आप लोग सफ़र का आनंद लीजिए। जय श्री घंटाग्रण देवाय, नमो नमः, नमो नमः। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं घंडियाल धार में। उससे पहले यहां सामने आप लोगों को क्वीली गांव दिखेगा, उसके अगल बगल ये छोटे और गांव यहां के। तो साथ ही यहां के बगल में आता है श्री घंटाग्रण देवता जी का पावन धाम, जिसको मैं आप लोगों को नीचे जाके ढंग से दिखाने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग यहाँ से कोहरा देखिए, कोहरा की घटिया इन्हें पहाड़ों में देखिए। तो साथ ही हम लोग पहुँच चुके हैं पट्टी लोस्तों में घंडियाल धार में और घंडियाल देवता के मंदिर की ओर। अब हम लोग जा रहे हैं, बस हमारी आस्था का जो प्रतीक है बस कुछ ही दूर हमसे है। तो एक बार साथियों मेरे साथी भी पहुंच चुके हैं। जय घंडियाल देवता, जय घंडियाल देवता। तो इन जयकारों के साथ अब हम लोग जा रहे हैं घंटाग्रहण देवता की ओर, जिन्हें घंडियाल देवता भी कहते हैं, तो एक ही नाम है ये। तो अब हम लोग यहाँ से, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ शानदार यहाँ से व्यू दिखाने वाला हूँ और घंडियाल देवता के जो हमारी पौराणिक गाथाएं उनको बताने वाला हूँ, और ये एक बहुत ही भव्य मंदिर जो यहाँ पर बना गया है उसको मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ साथियों। तो गेट ही देखिए आप लोग, गेट ही कितना भव्य यहाँ पर बनाया गया है। जय घंटाग्रहण देवा। तो साथियों बस यहीं पे रोड से ही कुछ ही कदमों दूर पर यहाँ पर घंडियाल देवता का मंदिर है, और बस रोड से आप लोगों ने देखा कि मेन रोड यहाँ पर ऊपर पे, यहाँ से उसके बाद ये थोड़ी सी सीढ़ियाँ काफ़ी अच्छी यहाँ पे व्यवस्था करी गई है और शानदार यहाँ पे भव्य इसको बनाया गया है। और यहाँ पर सारे आप लोग देखोगे तो सारे जो उत्तराखंड का सोना जिन वृक्षों को कहा जाता है बांज वृक्ष, ये सारे यहाँ पर है। और बस यहाँ से हम लोग घंडियाल देवता के मंदिर का जो पौराणिक मंदिर है उसकी ओर जा रहे हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर सदियों से घंटाग्रहण देवता का छोटा सा मंदिर था लेकिन जिसका अब जीर्णोद्धार किया जा रहा है, नव निर्माण इसका किया जा रहा है, जिसके तहत इसको भव्य बनाया जा रहा है। आप लोग यहाँ से रास्ते देखिए और इन रास्तों से होते हुए यहाँ पर ये मंदिर देखिए और आपकी आँखें तृप्त हो जाएंगी, पहली झलकी केदारनाथ आपको लगेगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने यहाँ पर शिलान्यास किया, जिनके नाम की तख्ती आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर है पानी की टंकी जहाँ पर हम लोग अब थोड़ा हाथ मुंह धुल के मंदिर की ओर जाने वाले हैं। तो साथियों फाइनली हम पहुँच चुके हैं उस घंटाग्रहण देवता के मंदिर में जहाँ हम लोग इतनी दूर से आए हैं और सारे साथियों के साथ। एक बार जयकारे, जय श्री।
तो यहाँ पर ये शानदार मंदिर जो भव्य बनाया गया है, हाल में ही इसका निर्माण हुआ है। तो आप लोगों को पहले मैं एक बार यहाँ से नज़ारा दिखाने वाला हूँ पूरा मंदिर का, फिर मैं इस मंदिर की जो यहाँ की पौराणिक गाथाएँ वो आप लोगों को बताने वाला हूँ। लगातार जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो लगातार हो ही रहा है। जय गंगाले। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, मतलब पूरा भी यहाँ पर नया निर्माण इसका एक तरह से किया जा रहा है। यहाँ पर ये हवन कुंड बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पे यज्ञ किया जा सके। और ये साथ ही ये है वो प्रतिमा, ये है वो मूर्ति श्री घंटाकर्ण देवता की जो मैं आप लोगों को दिखाने वाला था। तो आप लोग यहाँ से उन्हें अपना प्रणाम कर सकते हैं, नतमस्तक आप लोग उन्हें कर सकते हैं। बोलिए घंटाकर्ण देवता की जय, जय घंटाकर्ण देवता। तो साथ ही पूरा एकदम भव्य इसको बनाया जा रहा है और ये अभी लगातार इसमें काम अभी हो रहा है। तो काफ़ी यहाँ पर इसको अच्छी रूपरेखा इसकी तैयार करी गई है। मैं पूरा परिवेश आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग देखो तो कितने द्वार यहाँ पर बनाए गए, कुछ दाएं बाएं फ्रंट से भी। तो शानदार यहाँ पर इसका निर्माण जो किया जा रहा है, बहुत ही शानदार यहाँ पर अभी भव्य बनाया जा रहा है। यहाँ पर स्टोर्स हो गया या शौचालय हो गया पीछे की तरफ। तो इस तरीके से ये मंदिर भव्य यहाँ पर घंटाकर्ण देवता का। और क्योंकि साथियों अब यहाँ पर 12 साल वाली जात होती है तो 2022 में वो यात्रा होगी, तो उसकी ये पूरी तैयारी यहाँ पर जोरों शोरों से है। और इन लकड़ियों से इतनी अच्छी खुशबू यहाँ पर चल रही है, बहुत ही गजब, क्योंकि अभी नई नई है। और ये दूसरा गेट आप लोगों को ये नीचे देखने के लिए मिलेगा। ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीप हर तुमे पापम दीप ज्योति नमस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्म ज्योति नमस्तुते आत्म ज्योति प्रदीपाय ब्रह्म ज्योति नमस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीपाय गुरु ज्योति नमस्तुते। श्री घंटाकर्ण देवता की जय। बोलिए घंटाकर्ण देवता की जय, जय हो। और सभी भाइयों ने हमारे घर से एकदम अपने गार्डन से फूल आए हुए हैं और सभी फूल चढ़ाने वाले हैं। और यहाँ पर जो धूप पर दिया है उसको लाए हैं तो वो भी जलाने वाले हैं। तो इस श्रद्धा का एक प्रतीक जो इतने दूर पट्टी लोस्तु में घंटाकर्ण धार की थाती में बसा ये घंटाकर्ण देवता का मंदिर पावन शिला यहाँ पर। और मन्नते मांगते हुए हमारे सभी सर तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च कर्ता तमेव तमेव विद्यान्तरं तमेव तमेव सर्वं मम देव करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं मृदहारवृन्दे भवं भवानी सहितम्। बोले श्री घंटाकर्ण देवता की जय। बोले घंटाकर्ण देवता की जय। विष्णु भगवान की जय। शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। बोले। तो साथियों हम लोग पहुंचे हैं टिहरी गढ़वाल के पट्टी लोस्तु में और घंटाकर्ण धार में हम लोग पहुंचे हैं, घंटाकर्ण देवता के पास हम लोग आए हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि टिहरी गढ़वाल में आप लोग आओगे तो जो हमारा सबसे पूर्वी भाग है, पूर्वी दक्षिणी वाला भाग, तो बड़ियारगढ़ यहाँ लास्ट है, क्योंकि इसके बाद हमारा जो लगता है वो रुद्रप्रयाग जिला लग जाता है। तो ये यहाँ पर है, तो यहाँ इस मंदिर के बारे में आप लोगों को बताने साथ ही यहाँ पर आने के बाद यहाँ का नज़ारा दिखाने के बाद सबसे पहले दो लाइनें मैं कहना चाहूँगा कि राजी खुशी रख देवता सबकी आस भर दे झोली सबके कर दे बेड़ा पार तेरी महिमा अनंत चर्चा धार धार कृपा बने रख देवता कुल देव घंटाकर्ण जय घंटाकर्ण जय घंटाकर्ण। तो साथियों सबसे पहले घंटाकर्ण देवता की जय। तो मैंने आप लोगों को यहाँ का भव्य नज़ारा और भव्य मंदिर आप लोगों को बताया। और सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ की पौराणिक गाथाओं की, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ मंदिर में आने के बाद ही मैं यहाँ पर बताऊँगी क्या हुआ था। साथियों बहुत सारे हमारे जो इतिहासकार हुए, बहुत सारे लेखक हुए, तो सब ने अपना अपना अलग अलग लिखा है, लेकिन जो मान्यताएँ हैं यहाँ की कुछ इतिहासकारों ने लिखा है। आप लोगों को पता है महाभारत का आपको
युद्धपतः अर्जुन पुत्र अभिमन्यु हुए, जिनकी गाथाएं जिन्होंने अपने बाल्यावस्था ही हम कहेंगे 16 वर्ष की उम्र में ही कौरवों के दांत खट्टे कर दिए थे और अपनी पराक्रम से इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अजर अमर हो गए। तो साथियों, बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि जो हमारे घंटाकर्ण है वो अभिमन्यु के ही अवतार थे, उनके ही रूप थे, लेकिन जब उस दौरान उनको कहते हैं वो मुक्ति नहीं मिल पाई थी, प्रसिद्धि उनकी नहीं हो पाई थी, वो ना शिव शंकर भगवान के बहुत ही अनन्य भक्त थे, उनकी वो हमेशा भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन साथियों कहते हैं कि जब वो शिव शंकर भगवान के पास गए उनके हमेशा कानों में घंटियां लगी रहती थी, इसलिए इनको घंटाकर्ण देवता कहते हैं। और घंटियां लगाने का रीज़न ये था कि वो किसी और का नाम अपने कानों से नहीं सुनना चाहते थे। तो मतलब कहते हैं कि जब वो शंभुनाथ के पास गए तो उन्होंने कहा कि आपको प्रसिद्धि अगर मुक्ति कोई दिला सकता है तो वो विष्णु भगवान दिला सकते हैं, तो आप उनकी शरण में जाइए और उनसे मार्गदर्शन लीजिए। तो कहते फिर वो विष्णु भगवान की शरण में गए और तभी से उनकी प्रसिद्धि हुई और तब वो घंटाकर्ण देवता के नाम से गढ़वाल के विभिन्न हिस्सों में प्रसिद्ध हुए और इतने बड़े आस्था के केंद्र आज की हमारे उत्तराखंडियों के बने हुए, जहां लोग दूर दूर से आते हैं और अपनी श्रद्धानुसार उनके पास जाते हैं। और दोस्तों, कुछ का मानना है बहुत समय पहले जब दिल्ली में अत्याचार हुआ, दिल्ली में मतलब रष्ट पुष्ट हुआ, तो वहाँ से हमारे घंटाकर्ण देवता है वो उत्तराखंड के इन जंगलों में आए। और साथियों कुछ कहते हैं कि यहाँ पर क्विली में सजवाण दंपति रहते थे जिनकी कोई संतान नहीं थी, तो वो बहुत दुखी हो चुके थे, बहुत सारे जगह जा चुके थे लेकिन फिर भी उनको संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो जब वो एक बार जंगल में वो घीड़े लेके जाते थे वो लोग, उन तो वहाँ पे कोई रास्ते में उनको कोई मिलता है उनकी परीक्षा लेने के लिए, तो उनसे बोलता है कि मुझे भी कहीं छोड़ दो। तो जब वो उनको छोड़ते तो उनसे खुश हो जाते हैं और उनके सपने में आते हैं कि मैं स्वयं घंटाकर्ण हूँ और आपने मेरी इतनी मदद की तो मैं खुश हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारी परेशानी क्या है तो मैं उसका समाधान भी कर दूंगा। बिसुणी खाल वहाँ पे कहते हैं, बिसुण वहाँ पे लगाई थी, तो वहाँ पे तुम जाओगे तो वहाँ पर शिवलिंग होगा, वहाँ पे एक लिंग होगा, तुम वहाँ पर दूध चढ़ाना, अपनी श्रद्धानुसार मेरे को प्रसाद चढ़ाना तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। तो साथियों वो ऐसे ही करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। जो सजवाण जो दंपति था उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो तब से ही कहते हैं कि सजवाण ने ही वो लिंग स्थापित किया था साथियों। और कुछ इतिहासकार मानते हैं जब वो लिंग स्थापित हो गया था तो वहाँ पर एक गाय मतलब अपनी जितना वो दूध देती है उस वहाँ पर जाती थी उस लिंग में और आधा दूध वहाँ पर अपना दे देती थी। तो जब वो मालिक था जो गाय का वो देख देता है और वो उस लिंग पर प्रहार कर देता है, तब वो लिंग है विभिन्न हिस्सों में खंडित हो जाता है। तो उसका एक हिस्सा पड़ता है हमारा लोस्तो पट्टी में यहाँ पर घंडियाल धार में और एक हिस्सा कहते हैं धारी डूंगसिर में पड़ता है। तो तब से ही यहाँ पर इतना बड़ा ये है भव्य मंदिर स्थापित हो पाया। साथियों मतलब कहने का मतलब ये है, इतिहासकारों ने तो बहुत कुछ लिखा है, सब ने कुछ ना कुछ लिखा है, लेकिन अंत में निष्कर्ष बस यही निकल के आता है, चाहे किसी ने कुछ भी माना हो, लेकिन ये आज हमारे उत्तराखंड में गढ़वालियों का टिहरी गढ़वाल में इतना बड़ा ये आस्था का केंद्र बना है और लोग दूर दूर से यहाँ आते, जब यहाँ यात्रा होती है यहाँ प्रत्येक 6 साल और 12 साल में भव्य भव्य मेले होते हैं। जब आप लोग कभी यहाँ 12 वर्ष की में जो यात्रा होती है उसमें आओ साथ, तो इतना भव्य वो मेला होता है, उतनी भव्य वो यात्रा होती है कि आपकी आंखें तृप्त हो जाएगी। तो जरूर एक बार आप लोग उस यात्रा में, दूर दूर से यहाँ से दिशा ध्यानी आती है, अपने श्रद्धानुसार आती है और अपना माथम यहाँ पर घंडियाल देवता जी से ले जाते हैं और अपने परिवार सहित यहाँ पर आते और उनके राजी खुशी की वो यहाँ पर भगवान जी से कामना करते हैं। तो आप लोग भी यहाँ आइए, मैंने आप लोगों को यहाँ दिखाया कहाँ से रास्ता है, कहाँ से आना है, तो सब कुछ मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में दिखा चुका हूँ। तो आप लोगों को मैं मंदिर बता चुका हूँ और साथियों एक बार आप लोग देखोगे मंदिर कितना भव्य यहाँ पर बना है। अगर आप लोग पहले झटके में यहाँ पे आओगे तो ऐसा लगेगा कि केदारनाथ हम पहुँच गए। तो एक बार मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से भूरी भूरी प्रशंसा उन लोगों की भी करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं उन लोगों को देता हूँ जिन्होंने इस मंदिर को यहाँ पर हमारे जो गढ़वालियों का आस्था का प्रतीक है इसको भव्य बनाया और अपना योगदान इस भव्य मंदिर को बनाने में दिया। चाहे वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, चाहे यहाँ के शासन प्रशासन जितने भी तमाम लोग हैं, उनकी मैं एक बार बहुत बहुत धन्यवाद उनको देता हूँ और बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लगातार ऐसे ही समाज सेवा करते रहे और आगे बढ़ते रहे, घंटाकर्ण देवता का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बना रहे। तो साथ में इस तरीके से मैंने आपको ये मंदिर तो दिखा दिया है, अब हम लोग यहाँ से यहाँ पे एक झरना भी है और एक गुफा में शिवलिंग है वहाँ भी ले जाने वाले, तो तब तक वो मैं आपको दूसरे पार्ट में दिखाऊंगा। तो आप लोग तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तब तक घंटी वाला बेल आइकन भी दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों। धन्यवाद।
थोड़ा ये ककड़ी हमारे पास है, एकमात्र हमारा ऊंचाई पर आप लोगों को ये गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग देखिए आप लोग, यहाँ देखिए डमरू से भगवान की भोलेनाथ की ब्रह्म से पानी देखिए यहाँ से होता हुआ आ रहा है और सीधा शिवलिंग पे गिर रहा साथ में देखिए। तो यहाँ जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य की पहली किरण यहाँ से होती हुई सीधे डायरेक्ट इस शिवलिंग पे पड़ती है। देखिए किस तरीके से पत्थरों की संरचना हो रही है। गलखेश्वर महादेव की जय, हर हर महादेव।